In last lecture, we discussed Mendel's monohybrid cross using a Punnett square method. In this lecture, we will cover Mendelian laws, that is law of dominance and law of segregation based upon monohybrid cross. We will start with the law of dominance. First point of law of dominance, characters are controlled by discrete units called factors. Number two, factors are always present in pairs. Number three, in a similar pair of factors, one member of a factor pair dominates, that is a dominance over a other member, that is recessive. Now we will use a short summarized form of a Punnett square to understand these three points. First point, characters are controlled by discrete unit called factors. अब इनका मतलब क्या होता है? According to member, factors are present in organism which control particular trait or a character. ये factors discrete unit है, मतलब कि separate independent unit है. तो Mendel ऐसा मानते थे कि organism में separate independent units होते हैं, इनको फैक्टर्स कहते हैं. ये फैक्टर्स कोई भी कैरेक्टर या तो ट्रेट को कंट्रोल करता है. जैसे यहाँ पे जो पेरेंट है, टॉल प्लांट है, उसके अंदर कैपिटल टी फैक्टर्स हैं जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं. मतलब कि ऑर्गेनिज्म में कहीं मेंडल के अकॉर्डिंग टू कैपिटल टी जैसे यूनिट्स होंगे जो उसके टॉलनेस जैसे ट्रेट को कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये डिस्क्रिट इंडिपेंडेंट सेपरेट यूनिट है जो टॉलनेस नाम के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. ऐसे यहाँ पे स्मॉल टी एक दूसरा फैक्टर है जो ड्वार्फ प्लांट में है जो शॉर्ट स्टेम हाइट नाम के ट्रेट या तो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट मतलब सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. तो मेंडल स्ट्रॉन्गली ऐसा बिलीव करते थे कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में ही होते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक फैक्टर नहीं होगा. जैसे टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी नहीं होगा, दो होंगे कैपिटल टी. ये ड्वार्फ है तो स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल टी स्मॉल टी. मतलब कि ऑर्गेनिज्म फैक्टर के हिसाब से तीन टाइप के हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव या तो हेट्रोजाइगस. इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू मेंटल फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. बराबर, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट है, इन अ पेयर ऑफ अ डिससिमिलर फैक्टर्स. अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अ पेयर ऑफ अ डिससिमिलर फैक्टर. एफ वन का जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, डिससिमिलर फैक्टर्स. देन अ मेंबर ऑफ अ पेयर डोमिनेट्स द अदर मेंबर. तो यहाँ पे कैपिटल टी इज अ डोमिनेटिंग अ स्मॉल टी. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज जब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप होता है तो फिनोटाइप एक ही होता है, ऑल प्लांट्स आर टॉल. मतलब कि कैपिटल टी का फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, स्मॉल टी का फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ नहीं. तो हम कहेंगे कि इन अ पेयर ऑफ अ डिससिमिलर फैक्टर अ मेंबर डोमिनेट्स द अदर फैक्टर मेंबर, एंड दैट मेंबर विच इज डोमिनेटिंग मेंबर इज कॉल्ड अ डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट जीन, एंड अनदर फैक्टर इज कॉल्ड द रेसेसिव जीन. तो जो भी फैक्टर दूसरे को डोमिनेट करता है इसको हम डोमिनेंट फैक्टर या तो डोमिनेंट जीन कहेंगे, और दूसरे जीन को या तो दूसरे एलील को हम कहेंगे रेसेसिव जीन. तो यहाँ पे कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट ओवर अ स्मॉल टी. अगर इसको आप आगे देखो एफ टू जनरेशन में, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जब भी आते हैं तो एक ही फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, टॉलनेस. ड्वार्फनेस का जो फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस होता नहीं है. दैट मीन्स एक्चुअली कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट ओवर अ स्मॉल टी. तो ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द कोर ऑफ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. बराबर, हम कहेंगे कि ये जो तीसरा पॉइंट है वो हार्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि व्हेन अ पेयर ऑफ अ डिससिमिलर फैक्टर्स और डिससिमिलर एलील्स आर देयर, one allele is a dominant over a another allele and only that allele is expressed in such heterozygous condition. तो जैसे dissimilar allele होंगे तो एक ही allele express होगा, दूसरा allele express नहीं होगा. इसको ही कहते हैं हम law of dominance. तो law of dominance is because of this law of dominance we are getting a all F1 plants of a single parental expression. तो हम देख रहे हैं कि एक जो F1 प्लांट से, सारे F1 प्लांट से उसमें एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, जहाँ जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस का एक्सप्रेस हुआ. एंड इन F2 जनरेशन देयर इज अ 3:1 एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंट
फिनोटाइप एक्सप्रेशन। तो आप एफ टू जनरेशन में देखते हो कि 3/4 प्लांट है वो टॉल है, जबकि 1/4 वो है वो ड्वाफ है। तो ड्वाफनेस का कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है? जब दोनों फैक्टर्स होमोजाइगस रेसेसिव होते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक भी फैक्टर कैपिटल डी आ जाता है तो ड्वाफनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, मतलब कि ड्वाफनेस का जीन है स्मॉल टी दैट इज रेसेसिव ओवर अ डोमिनेंट कैपिटल टी जीन। तो फिर से मैं कहता हूँ कि यही बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस वी आर गेटिंग अ ओनली सिंगल पेरेंट एक्सप्रेशन इन एफ वन जनरेशन एंड बोथ पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन इन 3:1 रेशियो इन एफ टू जनरेशन।